एक ऐसी सच्चाई से मैं आज आपको रूबरू करवाने वाला हूँ जिसे देखते तो हम हर दिन हैं और देख के चर्चा भी करते हैं कि क्या हमारा देश जो है वो गरीबी से मुक्त हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे तो एक वायदा लेके आए थे, एक विजन लेके आए थे कि वो देश के लिए इतनी प्रगति करेंगे, इतने स्कोप, इतना डेवलपमेंट करेंगे कि लोगों को, गरीबों को घर मिलेंगे, जिनके पास खाना नहीं है उन्हें खाना मिलेगा, बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। हालांकि 5 साल का समय उन्होंने बिताया, काफ़ी कुछ किया भी। सवाल यहां पर कांग्रेस से भी उठाया जा सकता है जिन्होंने 60 साल तक भारत में राज किया और 60 साल भारत में राज करने के बाद भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। कई ऐसे भी देश हैं जिन्हें आज़ाद हुए 20 से 30 साल हुए हैं लेकिन 20 से 30 साल की आज़ादी के बाद भी उन्होंने आज की डेट में अपनी कंट्री से गरीबी ख़त्म कर दी है, लेकिन भारत में क्यों नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 2019 में ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि 2022 तक वो उन तमाम लोगों को जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर मुहैया करवाएंगे, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं वो स्कूल जा पाएंगे और रोज़गार मुहैया करवाएंगे। लेकिन बहुत दुनिया ऐसी है जो ये सोच रही है या पूछ रही है कि क्या आने वाले 5 सालों में ऐसा कुछ हो पाएगा। बहुत बार हमने मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में देखा होगा, फ्लाईओवर्स होते हैं, फ्लाईओवर्स या ब्रिजेस होते हैं, उसके नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं बिना घर के। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर धारा 370 है, बाहर का बाशिंदा यहाँ पर घर बना नहीं सकता है, ज़मीन खरीद नहीं सकता है, नौकरी कर नहीं सकता है। इसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुनिया है जो बाहर से आकर रहती है, काम करती है, लेकिन कुछ उनको मिलता नहीं है। मौजूद हूँ मैं जम्मू के जनरल बस स्टैंड के और सबसे पहले मैं आपको ये परिवार दिखाऊंगा। ये परिवार बिहार का है, छोटे बच्चे हैं यहाँ पर और ये बच्चे यहीं पर सोते हैं, यहीं पर खाना बनाती हैं इनकी माँ इनके लिए और लोग यहीं पर रहते हैं। दोनों तरफ सड़कें हैं, कोई यहाँ पर शराब पीने वाले लोग आके यहाँ पर इनके साथ मारपीट भी करते हैं। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है, मेरे ठीक पीछे जो आप एक इमारत देख रहे हैं ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मुख्यालय है, टाउन हॉल। यहाँ से ही सारी चीज़ें निर्धारित किए जाते हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, कैसे जम्मू की ब्यूटिफिकेशन लानी है, कैसे जम्मू को सुंदर बनाना है और कैसे ऐसी जगहें जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ से लोग गुजरते हैं उन्हें इस तरह से बनाना है कि उससे शहर की सुंदरता जाहिर हो सके। इन लोगों से हम बाद में बात करेंगे लेकिन मैं पहले आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहूँगा कि ये बस स्टैंड का इलाका है। मेरे पीछे ठीक ये बसेस लगी हुई हैं जो कि किश्तवाड़, उधमपुर, रियासी, बनिहाल इस तरफ जाती है, यहाँ से लोग बैठते हैं। और ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर कहें हम लोगों के लिए, फ्लाईओवर जो शहरवासी हैं तो दिन में कई बार इन फ्लाईओवर्स का, इन सड़कों का यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह के लोगों के लिए ये घर है। और घर भी कहें कि यहीं पर ये लोग खाना बनाते हैं, यहीं पर लोग रहते हैं और इनके बच्चे भी यहीं पर ही पले बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ता है रूबी खातून। मेरे को आप ये बताओ यहाँ पर क्यों रहते हो आप? यहाँ पर रहते हैं, घर नहीं है, रहने का जगह नहीं है, इसलिए रहना पड़ता है यहाँ पर, मजबूरी रहना पड़ता है। लेकिन ये फ्लाईओवर के नीचे रहना कितना सेफ, आप इसको सही मानते हो? क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं, कोई जंगला नहीं है, जानवर यहाँ पर घूमते हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, जान का डर, इनकी जान का खतरा नहीं लगता आपको? डर लगता है, खतरा लगता है, रात पर सोते नहीं है, नींद नहीं आती है। लेकिन जब आप रात को सोते हो यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब पी के घूमते हैं, शराब पी करके भी आते हैं, बदमाशी भी करते हैं, कोई चोरी भी करते हैं, कोई इंजाम में भी फंसा देते हैं, पुलिस वाले वाले जो है वो तंग करते हैं, चोरी करता को इंसान लोग भी फंस जाते हैं इसमें आकर के। ये बच्चे, इसका क्या नाम है बच्चे का? इसका नाम नेहा खातून है। नेहा खातून। अच्छा, आपका वोट डालते हो आप? वोटर वोट बना हुआ है? वोट डालते हैं। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार के रहने वाले, अररिया जिला के। आपको पता है अभी चुनाव चल रहे हैं देश में? मेरे को पता है। वोट डाला? हाँ डाला है। सुना है कि सरकारें जो है घर मुहैया करवाती हैं उन लोगों को जिनके पास घर नहीं है, बच्चों के लिए दवाइयाँ, इनके लिए पढ़ाई का जरिया बनाती हैं, सुना है आपने ये बात? सारे सुने हैं, मोदी करवा रहा है, मोदी करवा रहा है। लेकिन पर मिला नहीं है अभी तक, हमारे लोगों को कुछ नहीं मिला है, किचन बाथरूम तक नहीं मिला है,
बाहर जाना पड़ता है। स्वच्छ भारत की बात करते हैं कि स्वच्छ भारत है, साफ सफाई, लेकिन आप लोग जब यहाँ पर रहते हैं कोई पुलिस वाले या म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं आपको बोलने के लिए यहाँ से उठो? पुलिस वाले आते हैं बोलने के लिए कि यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, तुम लोग चोर हो, तुम लोग बदमाश हो, ये हो, ऐसे हो, नौ बोलते रहे। सोचने की बात ही है, ये भारतीय नागरिक ही हैं, हालांकि क्या मजबूरी है जो यहाँ पर आके रहना पड़ता है। एक बार छोटे छोटे बच्चों को देखिए यहाँ पर, ये अभी एक साल की बच्ची भी नहीं हुई है, यहीं पे पैदा हुई है, मतलब आप कह सकते हैं यहीं पर ये पली बढ़ती है, यहाँ पर ये लोग खाना बनाते हैं, यहीं इनकी ज़िंदगी का गुजर बसर होता है। ये सिर्फ एक परिवार बिहार का है, और बहुत सारे परिवार हैं, कोई राजस्थान का है यहाँ पर, कोई पंजाब का है, कोई सुन नहीं सकता है। इस तरह यहाँ पर ये लोग अपना जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं यहाँ पर रखते हैं। ये हालत है फ्लाईओवर की, फ्लाईओवर के नीचे के इलाके की। और साफ तौर पे एक बहुत बड़ा सवाल जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए ये है कि उनकी बिल्कुल नाक के नीचे ये जगह है, यहाँ पर लोग कई समय से रहते हैं, लेकिन वो सामने पीछे टाउन हॉल है, बहुत बार यहाँ से जो काउंसिलर्स हैं वो निकलते हैं, मेयर, डिप्टी मेयर निकलता है, क्या उनकी यहाँ पर नज़र नहीं पड़ती? ये कुछ लोग हो रहे हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें मिलता है और क्या कुछ ये लोग पाते हैं। क्या नाम है आपका? मंजूरी। मंजू, ये बताओ आप यहाँ कब से रहते हो, कितनी देर हो गई रहते हो? हमको 20-25 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। राजस्थान के? आप वोट डालते हो? नहीं, इधर नहीं डालते, उधर डालते। राजस्थान में अभी पता है वोट पड़ रहे हैं? हाँ, जाएंगे अभी डाल। प्रधानमंत्री कौन है हमारा? हमारा प्रधानमंत्री कौन है इधर का? भारत का प्रधानमंत्री कौन है? ये पता नहीं है। मोदी जी का नाम सुना है? हाँ। वो कौन है? मोदी जी का सुना है नाम। मोदी जी का नाम सुना है। अच्छा, आप लोग को कोई कभी ये NGOs होते हैं कभी आते नहीं है पूछने के लिए, कोई चीज़ देने के लिए, कोई सरकार की तरफ से कुछ मिलता है कि घर ले लो, आपको घर देते हैं, आपको बच्चे पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता। आप अपना गुजर बसर कैसे करते हो? करते कबाड़ा भी उनके। आपका बच्चा है? हाँ। उसको चोट कैसे लगी है? वो एक पागल ने मार दिया आज। मैं इसी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। ये बच्चा देखो, आप शराब पी के कोई शख्स आया, उसने बच्चे के साथ मारपीट की और इसका चेहरा जो है पूरा ख़राब कर दिया है। ये इसलिए है क्योंकि ये लोग फ्लाईओवर्स के नीचे रहते हैं और इन्हें ना ही कोई सिक्योरिटी है, ना कोई घर है, ना इनके लिए सरकारें हैं। आप राजस्थान के रहने वाले हो, और कौन रहता है आपके साथ यहाँ? बस हम ही रहते हैं। तो मतलब कोई पूछता नहीं है आपको, लोगों को बोलते नहीं है कि यहाँ से जाओ? आप लोग क्यों यहाँ पे रहते हैं? घर नहीं है आपके पास? गाँव में है घर, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं? तो गाँव में क्यों नहीं जाते हो वापस? जाएंगे कमाने खाने के लिए, पड़े ऐसे जाते महीने महीने में, घर पे जाते हैं उधर गांव में। और जब कोई बीमार हो जाता है तो अस्पताल वगैरह जाते हो तो इलाज विलाज मिलता है? हाँ, इधर बच्चे लगा। और पुलिस वाले जब आते हैं इधर तो वो क्या बोलते हैं पुलिस वाले जब आते? जाओ इधर से, कल भी आए थे। क्या बोल रहे थे? बोलते इधर से जाओ, इधर क्या करते हो? क्या बोला आपने? हम बोले चले जाएंगे, क्या बोलना फिर उनके साथ, जिद भैंस थोड़ी करनी। पैसे वैसे की कोई बात होती है? नहीं, पैसे नहीं लेते। म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं यहाँ पर? नहीं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ पेड़ लगाने हैं, घास लगाना है, यहाँ पे सुंदर बनाना है, आप जाओ यहाँ से? नहीं, कोई नहीं आता। वो नहीं आते, पुलिस वाले आते। अच्छा, आप लोग ये सामान इकट्ठा करते हैं यहाँ पर, तो दिन में कितने, दिहाड़ी में कितने पैसे बना लेते हो? सारा दिन में 100-150 रुपये का बीन लेते हैं। 100-150 में कैसे तीन लोग खाना खाते हो आप? क्या करें, खाना पड़ता। बच्चा क्या करता है आपको पड़ता है? स्कूल ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये राजस्थान का एक परिवार है, पीछे जो परिवार था वो उड़ीसा का था, एक परिवार वो वहाँ पे खाना बना रहा है, वहाँ पे भी हम आपको यही विजुअल से दिखा रहे हैं कि वो लोग खाना बनाते हैं, यहीं पर ये लोग सोते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सरकारें करती क्या हैं? 2022 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपना लेके चल रहे हैं कि पूरे भारत में जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर मिलेंगे, लेकिन हम जम्मू सिटी की बात करें तो यहाँ पर कुछ फ्लाईओवर के नीचे लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, ये तमाम मेट्रो सिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी दुनिया है जो ऐसे ही फुटपाथ्स पर फ्लाईओवर्स के नीचे रहती है। ये लोग किस गिनती में हैं? इन लोगों के पास घर नहीं है, इन लोगों के पास अपने वोटर कार्ड भी हैं, अपने वोट भी डालते हैं, ये मत का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वोट ले लिए जाते हैं, तो इन लोगों की सुनेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है। नरेंद्र मोदी को जब पूछो भारत का प्रधानमंत्री कौन है, इन्हें पता नहीं होता। मोदी जी का नाम लो तो वो ज़रूर सुना होता है, शायद इश्तहार लगे होते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसके कारण इन्हें थोड़ा पता चलता है। लेकिन अगर इस और आप नज़र घुमाएंगे तो स्वच्छता की बात करने वाली जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन
और बीजेपी जो कहती थी कि 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगी, सबसे बड़ा सवाल यह कहाँ गई स्मार्ट सिटीज। और अगर स्वच्छता की बात है और स्वच्छ भारत की बात है और जम्मू को साफ सुथरा सुंदर बनाने की बात है, तो सिर्फ टाउन हॉल और बस स्टैंड के बिल्कुल सामने का ये इलाका है। आज तक क्यों नहीं यहाँ पर पेड़ लगाए गए, क्यों नहीं यहाँ पर बैठने की जगह बनाई गई, क्यों नहीं यहाँ पर छोटे कैफेज बनाए गए जिसका स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, यात्री हैं, इस्तेमाल कर सकें? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। कहते हैं फंड्स की कमी है, लेकिन मानसिकता होनी चाहिए, काम करने की नीयत होनी चाहिए, तो ही काम होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये महिला सो रही है, ये शख्स है यहाँ पर, ये अपना मांग करके गुजारा करता है, अकेला रहता है। तो ज़्यादातर भीख मांगने वाले लोग जो बात करें कि विकलांग हैं वो लोग, दिव्यांग हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और एक बार मैं दोबारा एक बार यहाँ पर आपको नज़र मनवाना चाहूँगा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहीं पर रहते हैं, जानवर भी हैं यहाँ पर, और इन लोगों को लगती भी है, चोटें भी लगती हैं, जान का भी खतरा रहता है, लेकिन घर नहीं है, स्वच्छता नहीं है, सैनिटेशन की कोई जगह नहीं है, ऐसे ही बाहर टॉयलेट्स चले जाते हैं। तो अगर कहा जाता है कि इतने सारे टॉयलेट्स बना दिए गए, इतने सारे घर दे दिए गए हैं, तो इन लोगों के लिए क्या है, और क्या इन लोगों के लिए कुछ, इन लोगों को कुछ मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि ये भी भारतीय नागरिक हैं, ये लोग भी वोट डालते हैं, ये लोग भी सरकार चुनने में, नुमाइंदा चुनने में अपना योगदान देते हैं, लेकिन इनकी कौन सुनेगा? जम्मू में 370 है, जम्मू कश्मीर में, तो 370 की वजह से यहाँ पर बाहर का बाशिंदा आ नहीं सकता, आ सकता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, यहाँ रह नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत के बाकी लोग अगर यहाँ पर आके श्रमिक हैं, काम करते हैं, और जब यहाँ पर जो है डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट के कार्यों में अपना सहयोग देते हैं, चाहे वो उसके लिए पैसे क्यों नहीं कमाते हो, लेकिन उन लोगों को कुछ मिले, उन लोगों को कुछ सुविधाएं मिले, सरकारें ऐसा नियम ऐसा कुछ कर नहीं सकती, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये एक प्रश्न है सरकारों से, चाहे वो रीजनल पार्टीज़ हों, चाहे नेशनल पार्टीज़ हों, कि उन लोगों का क्या जो फुटपाथ्स के नीचे रहते हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे रहते हैं, सड़कों के किनारे रहते हैं, वोटर्स तो हैं लेकिन किसी गिनती में नहीं है। जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।